झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस एवं विभिन्न राजनीतिक क्षेत्रों में काम करने वाले, सामाजिक रूप से काम करने वाले, शैक्षणिक वर्ग में संगठित होकर काम करने वाले और कई शिक्षाविद भी आज पार्टी में अपनी प्राथमिकता सदस्यता ग्रहण की। मैं तहे दिल से रांची, जमशेदपुर, लोहरदगा से आए हुए इन पदाधिकारियों का, इन कार्यकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कई जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं, उनका भी अभिनंदन और स्वागत करते हैं। ये संगठन के प्रति और संगठन की सोच के साथ लोगों का जुड़ाव है जो लगातार आपको दिखाई दे रहा है। केंद्रित होकर सभी लोग पार्टी में आना चाहते हैं, वो यूथ हो सकता है, छात्र हो सकते हैं, किसान हो सकते हैं, मजदूर हो सकते हैं, या समाज के अंदर बौद्धिक वर्ग का नेतृत्व देने वाले, शैक्षणिक क्षेत्र में जगत से जुड़े हुए लोगों का समावेश, एक साथ समागम का कार्यक्रम चल रहा है। तो एक माहौल पूरे प्रदेश में आने वाले समय के लिए तैयार हो रहा है। 2024 एक मजबूती से संगठन का विस्तार, विचारों का एकत्रित होना एक अच्छा वातावरण का संकेत है। 24 इलाके ये सफाई हो सकता है, लेकिन आखिर जब आप किसी के यहाँ पर इस तरह से इतनी बड़ी रकम रखने का, इतनी बड़ा रकम अगर दिख रहा है, तो निश्चित रूप से आईटी वाले लोग हैं, वो इसको क्लियर करेंगे कि उनका निजी संपत्ति है या क्या है। पार्टी क्या कार्रवाई की मांग करेगी मुख्यमंत्री से? देखो, मैं उनका अपनी पार्टी की समझ है, कांग्रेस इसी ढिलोमा में काम करते आया है, ऐसे ही संबंध उनके रहे हैं, तो उनसे बहुत उम्मीद करना मैं नहीं समझता। लेकिन ये दुनिया देखेगी, आम लोग देखेंगे, पूरा झारखंड और पूरा देश देख रहा है, इनका वर्क कल्चर दिख रहा है। दादा 15 से वेंटर राज्य के ज्वलंत विषय ही हमारी तैयारी होती है, और लगातार कई बार से इस विधानसभा सत्र को आपने नज़दीक से देखा है, प्रथम सत्र से ही इसको उपयोगी बनाने का हम लोग ने सोच के रखा था। जब एक स्टेबल गवर्नमेंट आई, एक बहुमत किसी गठबंधन के साथ आया, तो उनको उतना ही दायित्व के साथ विधानसभा का संचालन भी करना चाहिए था। लेकिन आप परिस्थितियां विधानसभा के अंदर जो देखते हैं, कभी भी किसी भी विषय को लेकर जो विधानसभा के लीडर हैं वो गंभीर होते नहीं हैं। जब आप एज ए नेता गंभीर होंगे नहीं, तो पूरा संस्था कमज़ोर हो जाता है। हम लोग ने व्यक्तिगत रूप से कई बार इसकी पहल भी की, कोशिश की, कार्य मंत्रणा में बैठे, लेकिन हर बार एक उम्मीद के साथ जाते हैं। इस बार भी 15 से कुछ उम्मीद के साथ जाएंगे, शायद खास कुछ चीज़ दिखे, लेकिन अब तो अंतिम पड़ाव पर है, चीज़ें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, और जो होना चाहिए था, जो संभावनाएं इन्होंने दिखाया था राज्य के वासियों को, वो बहुत दूर चली गई और एक बड़ा खाई हो गया है, और ये राज्य बहुत पीछे चला गया। ये राज्य का पीछे जाना मतलब हर जनमानस का पीछे जाना है, हर पैमाने पर, चूँकि इसका भी मैपिंग होना है कि हर इंडेक्स पर हम पीछे चले गए हैं। जो डेवलपमेंट का मानक है, जिन्हें हमें खड़ा करना चाहिए राजनीतिक पटल पर जिम्मेदारी के साथ, वो हो नहीं पाया। पहली बार नेता कल लोग कोई जवाब देते तो समझ में आता। मैंने मुख्यमंत्री को अभी सुना, एक क्लिप उनका चल रहा है जिसमें वो बच्चों से पूछ रहे हैं कि साइकिल का पैसा मिला कि नहीं, और एक जिनको कोई पॉलिटिकल सिखा के नहीं भेजा गया, या पॉलिटिकल जवाब बच्चों का नहीं था, उन्होंने जवाब दिया कि ये नहीं हुआ है। जितना प्रश्न पूछे उनका जवाब बच्चों ने वहीं पर दे दिया। उनको तो तत्काल समझना चाहिए कि मेरा सिस्टम का वर्तमान हाल क्या है। केवल आपके मौखिक और आपके संवाद को ही हम इस राज्य का पूंजी नहीं मान सकते, जो वास्तविकता है वो दिख रही है और उसका जवाब आपके बच्चे दे रहे हैं। तो कारण बताए कि आदिवासी अधिकारी नहीं है, इसलिए हमारी नहीं कोई सुन रहे थे, इसी वजह से शायद उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को बदल दिया। मैं नहीं जानता उनकी दलील ये किस रूप से है, कोई राजनेता के देखने की दृष्टि अगर ये हो जाए तो संकुचित मानसिकता है, और ऐसी संकुचित मानसिकता का इतना बड़े लोगों का, इतनी बड़ी जमात का नेतृत्व नहीं कर सकते। तो उन नेता प्रतिपक्ष का अगर प्रथम सत्र में ही, जब ये सत्र शुरू हुआ तब होना होता, तो उनका एक प्रॉपर दायित्व का निर्वहन होता। कई बॉडी 4 साल से जिनके उनके रहने से कई चीज़ें का जो विधिगत रूप से तैयार होना चाहिए था वो हो नहीं पाया, आज तक कई बॉडी बनी नहीं, और आगे भी बहुत उम्मीद नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये अंतिम समय का ये सत्र होगा, 1-2 सत्र ही तो बचे होंगे। आप कह रहे 24 का माहौल बन रहा है, मुख्यमंत्री जी क्या काम है? ये कांग्रेस पार्टी को बोलना है, जिनके यहाँ ये रेड हो रहा है उनको जानकारी देना है, संस्था जो रेड कर रहे हैं वो इसकी जानकारी देंगे, लेकिन जो चीज़ दिख रहा है वो, चूँकि एक लंबे समय तक ये कांग्रेस घराना रहा है,
और इस घराने का कांग्रेस को कांग्रेस का स्तंभ के रूप में माना जाता है, सपोर्टिंग इसके कई कहानियां हैं साथ में, किस रूप से वो कांग्रेस को और किस हद तक सपोर्ट करता है, यहां तक कि गठबंधन पूरी गठबंधन के ये दायित्व है कि वो एक राज्यसभा के सदस्य भी हैं, जो परिस्थितियां बनी है, जो आज पूरा देश जिसको देख रहा है, तो ये तो जवाब हर किसी को हर पटल पर देना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा।